फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज मैं इमली का चटनी आपको बताती हूँ बनाने के लिए होली स्पेशल में। आप देखिए, मैं इसे आधे घंटे के लिए इसे भिगो ली थी, अच्छे से ये हो चुका है। अब मैं इसे सारा हाथ से मैश करके निकाल देती हूँ इसका जितने भी है। इसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ, लास्ट तक देखिए वीडियो। आप देखिए फ्रेंड्स, मैं कढ़ाई में चुका है, इसे मैं थोड़ी तेल डालूँगी, थोड़ी सी तेल डालूँगी, तेल को गर्म होने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं इमली ले ली हूँ अच्छे से इसे देखिए, इस तरह हो गया साफ करके पूरे। मैंने सब मैं निकाल ली हूँ बीज वगैरह को। 250 का करीब मेरी इमली है, 200 का गुड़ है, देखिए मिला के 200 ग्राम के गुड़ में ली हूँ सब्जी। देखिए अब मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं थोड़ी सी जीरा डालूँगी, तेज पत्ता डालूँगी, थोड़ी सी हींग डालूँगी, दो लाल मिर्च डालूँगी, उसके बाद मैं ये इमली सब डाल दूँगी। धीरे करके चलाते रहे, इसमें अब स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, फ्लेम को यहाँ पे हाई रखे फ्रेंड्स। थोड़ी सी हल्दी डालूंगी फ्रेंड्स, कलर इससे अच्छा आता है, बस इसकी चुटकी भर हल्दी डालूंगी। देखिए बॉयल होना शुरू हो गया है, एक बॉयल आएगा उसके बाद मैं इसमें गुड़ डालूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें गुड़ डाल दूंगी, देखिए धीरे धीरे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मैं थोड़ी सी इसमें चीनी भी डालूंगी, एक कलर ताकि एक चम्मच चीनी डालूंगी ताकि इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, चटनी मेरा बन के रेडी हो गया, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, आप देख सकते हैं। अब मैं लास्ट में डालूंगी भुना हुआ जीरा का पाउडर, इससे बहुत टेस्ट लगता है, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। देखिए कितने सुंदर लग रहा है देखने में, गैस को बंद कर दिया मैंने। अब एक इसे बाउल में निकाल लेते हैं, बाउल में। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे बर्तन में निकाल ली हूँ और आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, खाने में भी उतना ही टेस्ट लगते हैं। होली में अब दही बड़े जैसे बना रहे हैं उसमें अब डालें, चाट वगैरह बना रहे हैं उसमें अब डालें, और घर पे इसे स्टोर करके आप रख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। कमेंट में बताएं कि चटनी आपको कैसे लगे, बहुत ईजी प्रोसेस से मैं बताई हूँ इसे। आप अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।